किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एकदम नए कीटनाशक के बारे में जानने वाले हैं, जो एकदम नया कीटनाशक है। देखिए, बहुत सारे जो फार्मर हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि उनकी फसल के अंदर, स्पेशली जो बैंगन की फसल है उसमें उनसे जो फल छेदक है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, या सूट बोरर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, या स्टेम बोरर तना छेदक कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। इसी तरीके से यदि टमाटर की फसल लगाई है तो उसमें फ्रूट बोरर की यानी कि फल छेदक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, या आपने गोभी की फसल लगाई है पत्ता गोभी में जो इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, फूल गोभी में इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, या किसी भी चबाने वाले कीट का अटैक आपकी किसी भी फसल में है और वो आपसे जो आप दवाइयां हैं अच्छी से अच्छी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये जो आज हम आपको कीटनाशक बताने वाले हैं ये उसको 100% कंट्रोल कर देगा, क्योंकि एकदम नया है। और जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं BSF कंपनी के एक्सपोनस कीटनाशक के बारे में। तो देखिए, ये जो कीटनाशक है मार्केट में एकदम नया है, कंपनी ने अभी 2022 में इसको लॉन्च किया था, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसकी डोज क्या है। डोज जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग फसलों पर इसकी जो डोज है वो अलग अलग है। उसके साथ साथ इसको हम कब स्प्रे करें, कीट होने पर स्प्रे करें या प्रिवेंटिव में भी हम इसका स्प्रे ले सकते हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बेवजह आप यदि स्प्रे करते हैं तो फिर इसके फायदे नहीं, आपको नुकसान ही देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इसकी कीमत क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, रैनफास्टनेस रेट क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो BSF कंपनी का एक्सपोनस जो इंसेक्टिसाइड है ये मार्केट में एकदम नया होने के कारण, तो इसमें क्या है कि जो हमारे कीट है इसके अंदर जो टेक्निकल है वो भी एकदम नया है, तो उसके इससे इसमें क्या है कि कीटों के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं है, क्योंकि एकदम नया है। तो यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही फास्टली, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है तो बहुत तेज़ी से जो कीट हैं उनको ये ख़त्म करने का काम करता है। यदि और जो कीटनाशक हैं उनके प्रति जो कीट हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है और कीटनाशकों से जो कीट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसका स्प्रे करेंगे 100% आपका जो कीट है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो हमें देखने को मिलता है ब्रोफ्लेनिलाइड, जो हमें 300 ग्राम यानी कि 300 ग्राम 1 लीटर के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ये जो ब्रोफ्लेनिलाइड जो मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको बताया है 300 ग्राम देखने को मिलता है 1 लीटर की पैकिंग हम लेते हैं तो उसके अंदर। देखिए, ये कॉन्टैक्ट है यानी कि कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, और इसके अंदर स्प्रेडर भी मिला होता है, यानी कि कंपनी ने इसमें स्प्रेडर मिला के रखा है तो हमें अलग से स्प्रेडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है तो स्प्रेडर इसलिए ज़रूरी है ताकि कवरेज अच्छा मिलता है स्प्रे के बाद। यदि एक बूंद भी एक पत्ती पर पड़ जाती है तो वो पूरी पत्ती को कवर कर लेती है, यानी कि पूरी पत्ती पे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिससे क्योंकि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है उसका जो जितना ज़्यादा कवरेज होता होगा उतना ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए आप इसका स्प्रे भी करें तो अच्छे से जो कवरेज है वो स्प्रे कवरेज करते हुए पौधों पर स्प्रे करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आपकी फसलों में कीट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो स्पेशली कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फल छेदक को कंट्रोल करेगा, सूट बोरर को कंट्रोल करेगा, स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है, और हमारा जो सेमी लूपर है उसको भी कंट्रोल करता है, हर तरह की इल्लियों को कंट्रोल करता है, किसी भी तरीके की इल्ली है आपकी, तंबाकू की इल्ली या और भी जो भी इल्लियाँ सबको कंट्रोल करता है, रेड बीटल जिसको हम लाडली कहते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, तो हर चबाने वाले कीट को ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। और देखिए, जो लीफ माइनर की समस्या देखने को मिलती है हमें टमाटर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, अन्य फसलों में, तो लीफ माइनर को भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ थ्रिप्स को भी ये कंट्रोल करता है, लेकिन थ्रिप्स पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं देता है। कभी आप ऐसा ना करें कि इसी के भरोसे थ्रिप्स पर बैठे रहें, थ्रिप्स को यह कुछ हद तक कंट्रोल करता है। तो यदि थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो इसके भरोसे ना रहें, कोई अच्छे कीटनाशक का केमिकल का स्प्रे दें। केवल जो भी चबाने वाले कीट हैं, फल छेदक, तना छेदक, कोई भी इल्ली है या रेड बीटल है, लीफ माइनर की समस्या है, तो उनको सबको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल ये करता है। तो उनके लिए आप इसका बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। यदि और कीटनाशक से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप एक्सपोनस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, एक्सपोनस जो कीटनाशक है BSF कंपनी का, ये तभी इस्तेमाल करना है जब आपकी फसलों पर कीटों का अटैक ज़्यादा है और अन्य जो कीटनाशक है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आप एक्सपोनस का यूज कर सकते हैं। इसका प्रिवेंटिव में आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें। प्रिवेंटिव में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं, यूज करते हैं, तो ये टोटली वेस्ट रहेगा,
मेरे हिसाब से कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। तो जैसे ही कीटों का अटैक आपकी फसलों पर ज्यादा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है, तो जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, कॉन्टैक्ट होने के कारण कीट जैसे ही संपर्क में आएगा तो बहुत तेजी से ये हमें रिजल्ट दिखाता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक भी इसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं वो तेजी से तो रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। उसी तरीके से जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो धीरे धीरे रिजल्ट दिखाते हैं, यानी कि स्प्रे के बाद थोड़े समय लगता है उन कीटों को कंट्रोल करने में, लेकिन वो लंबे समय तक, क्योंकि प्लांट के सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं, वो सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो लंबे समय तक कंट्रोल दिखाते हैं। तो ये अंतर होता है कॉन्टैक्ट में और सिस्टेमिक में। तो जो हमें एक्समोनस है ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमारी बैंगन की फसल है क्योंकि उसमें कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है, टमाटर में फल छेदक का अटैक ज़्यादा होता है, या मिर्च की फसल है, तो इनमें क्या करना है कि आपको जो डोज रखनी है 25 ml, यानी कि 25 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। एकड़ मतलब मान लीजिए एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी का यूज आप करेंगे, 150 से 200 लीटर पानी यूज करेंगे, तो उसमें 25 ml दवा मिलाकर एक एकड़ की फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं पर जो अन्य हमारी फसलें हैं, जैसे कोई भी बेल वाली फसलें हैं या और भी जो फसलें हैं, तो उन पे आपको क्या करना है, जैसे सोयाबीन पे या दलहनी फसलें हैं, तो उन पे केवल 17 ml, यानी कि 17 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको ये डोज रखनी है। तो आप समझ गए होंगे, जो जैसे हमारा टमाटर, मिर्च, बैंगन, तो इन पे हमें 25 ml पर एकड़ डोज देनी है। और जो अन्य फसलें हैं, जैसे कोई भी सोयाबीन की फसल है आपकी, या हमारे जो गोभी की फसल है, बंद गोभी है या फूल गोभी है, तो ये फसलें हैं, या और भी बेल वाली क्रॉप हैं, तो उन पे हमें 17 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रखनी होती है। तो ये बहुत ही अच्छे से जो कीट हैं, जो हमारे चबाने वाले कीट हैं, उनको कंट्रोल कर देता है, क्योंकि एकदम नया है, इसके प्रति कीटों में रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंटिव में यूज ना करें। प्रिवेंटिव में आप यूज करेंगे तो कीटों में इसके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप होती चली जाएगी, और जब कीटों का अटैक आपकी फसलों पर ज़्यादा होगा और तब स्प्रे देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जब भी कीटों का अटैक आपकी फसलों पर है, ज़्यादा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप एक्सपोनस का स्प्रे कर दें बेझिझक, बहुत ही अच्छे से ये आपकी फसलों के अंदर कीटों को कंट्रोल कर देता है। तो देखिए, इसके यदि हम रेन फास्टनेस रेट की बात करें तो देखिए, स्प्रे के बाद लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो स्प्रे के बाद 3 से लेकर 4 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपकी फसलों के अंदर ये दिखा देता है। और देखिए, यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो 17 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग हमें 960 से लेकर 980 रुपए की तक मिल जाती है, और जो इसकी 25 ml की जो पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 1300 से लेकर 1400 रुपए तक मिल जाती है। तो जो प्राइस है उनको ज़्यादा सीरियस बिल्कुल ना लें, प्राइस चेंज भी हो सकते हैं, घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें, एक अप्रॉक्स आपको अंदाज़ा लग जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने जो इसकी कीमतें हैं वो आपको बताई हैं। अब जानते हैं कि इस कीटनाशक को हम अन्य किसी के साथ, मान लीजिए किसी फर्टिलाइजर के साथ, फंजीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इस कीटनाशक का स्प्रे जब करते हैं, जब हमारी फसलों पर कीटों का अटैक ज़्यादा है और वो अन्य जो केमिकल हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो अब हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए, उस समय क्योंकि कीटों का अटैक ज़्यादा है, तो उस समय में आप इसका सेपरेट ही उपयोग करें, सेपरेट ही स्प्रे करें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब कीटों का अटैक ज़्यादा है या किसी भी रोग का अटैक ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए जो भी फंजीसाइड या कीटनाशक आप दे रहे हैं तो वो आपको सेपरेट ही देना चाहिए, उसके साथ किसी अन्य को मिक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके जो रिजल्ट है उसमें गिरावट हो जाती है। तो इसलिए जब आपको, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो है कीटों को कंट्रोल करना, इसलिए इसका सेपरेट ही आप स्प्रे करें, उस टाइम पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।